चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता दें, 7 जनवरी तक स्कूल बंद करने का आदेश। बेसिक शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा ने आदेश दिया है। बढ़ती ठंड और कोहरे के चलते बंद रहेंगे स्कूल। सभी बोर्ड के कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। लगातार जो है ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। CBSE, ICSE, मदरसा माध्यमिक बोर्ड सहित अन्य बोर्ड के स्कूल बंद रहेंगे। सारे बोर्ड, चाहे बात करें CBSE की, ICSE की, या मदरसा बोर्ड या माध्यमिक बोर्ड, चाहे क्यों ना हो, सारे बोर्ड के स्कूल जो है बंद करने के आदेश दिए हैं। ठंड को देखते हुए, ठंड के मद्देनजर 7 जनवरी तक जो है बच्चों की स्कूलें बंद रहेगी। विशेषकर 1 से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही पूरी तरीके से स्कूल बंद है। तो बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं। के साथ एक नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। अगली बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। जी हां, दिल्ली से अगली बड़ी खबर जो है, सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। मामले को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है। ऐसा नहीं है कि राज्य में आपको न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आप हाईकोर्ट जाए, आप चाहे तो याचिका वापस ले ले। बता दें 87 FIR उनके खिलाफ की गई है। कपिल सिब्बल, सभी मामलों को राज्य से बाहर स्थानांतरित किया जाए, ऐसा सिब्बल ने कहा है। यूपी में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, ऐसा बड़ा बयान जो है कपिल सिब्बल ने दिया है। उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि यूपी में उन्हें न्याय मिलेगा। आजम खान ने सभी मुकदमों को ट्रांसफर की मांग की थी। मामले को राज्य के बाहर ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, सपा नेता आजम खान को यहाँ बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है याचिका पर सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए अस्मिता, बिल्कुल जिस तरीके से किसी जमाने में सपा के कद्दावर नेता रहे आजम खान की दुश्वारियां कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही हैं। उन्हें लगता था कि यूपी में उनके साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा, और जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया था। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि यूपी में न्याय नहीं मिलेगा आजम खान को, हाँ, हालांकि एक बात जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि जो यूपी में हाईकोर्ट है उसको निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई हो। और जी यहाँ पे कपिल सिब्बल ने एक बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि उन्हें यूपी में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल अस्मिता, आजम खान ने अपील जो किया है इसको लेकर यही कहा है कि यूपी में उनके कई ऐसे केस चल रहे हैं जिसको लेकर उन्हें न्याय नहीं मिला, तो इसी मंजिल को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि शायद उन्हें किसी भी अन्य राज्य में उनके केस ट्रांसफर करा दिए जाए जहां उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आदेश दिया है कि हाईकोर्ट को हालांकि निर्देश दिया है कि आजम खान के जो भी मामले हैं उनमें जल्द से जल्द सुनवाई हो। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई, जहां आजम खान की सुनवाई पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर साफ तौर पर कह दिया है कि इस राज्य से बाहर ये सुनवाई नहीं होगी।